नहीं है और राजू राम की जगह 10 साल का बच्चा है, इससे मजदूरी करवाई जा रही है और मेट के द्वारा सारा सिस्टम हो रहा है, इसलिए मेट को उठाया जाता है। नहीं उठाया जाता है, ये पिछले जो नरेगा श्रमिक थे वो तो नरेगा कार्य चल रहा था और पिछले मस्टोल से ये मामला चल रहा है। ये जो एलडीसी मामला जी सार है और ये जो मेट संतरा वर्मा है, इन दोनों ने मिली भक्ति करके और जो अपने मनमर्जी से दो नाव लिखते हैं और बाकी जो हमारे नरेगा श्रमिक है वो मेरे घर आते हैं और बोलते हैं हमारा नाम नहीं आता, और जब एलडीसी के पास जाते हैं एलडीसी बोलता है नंबर से आएगा, और एक दो लेबरों के मतलब बार बार नाम आ रहा है, बल्कि 450 लेबर मेरे पास है। तो मैंने कहा एलडीसी साहब को कि रोटेशन चेंज कर, सभी का नंबर लो कि जिससे सबके नंबर आ जाए और कोई परेशान ना हो और कोई गरीब तबके को रोजगार मिल सके। लेकिन बहुलाल चार और ये मेट मनमर्जी करके दोनों की मिली भक्ति से और अपने लोगों को लगा लिया, 2-3-5-10 लेडीजों को और बाकी अदर के नाम दे दिए, और कुछ लेडीज तो ऐसे हैं उनका अभी तक भी नाम नहीं आया, ये उनको धमका के डरा के भगा देता है। और जब 6 नंबर फॉर्म के लिए बोलते हैं तो एलडीसी 6 नंबर फॉर्म ही नहीं देता फॉर्म पंचायत में, ऐसे करके ये मामला चल रहा है। फिर मैंने बहुलाल जी सार को कहा तो बहुलाल जी सार ने कहा कि मैं इस मेट को दोबारा लगाऊंगा और आपके ऊपर एसटी का मुकदमा लगाऊंगा और आपको बदनाम करूंगा। और फिर मैंने पहले भी इस मेट को उठा दिया था क्योंकि पहले भी इसमें फर्जी चला रखी थी। फिर आज सुबह मैं जब गया कार्य पर तो कार्य के मौके स्थल पर मैं भाई लाने के पास कार्य चल रहा था, वहां पर गया तो मैंने देखा तो पाया गया कि 2-3 तो फर्जी हाजिरी लगा रखी थी और एक महिला की जगह दूसरी महिला को काम पर लगा रखा था। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी की जगह दूसरे एक छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कठोर परिश्रम पर लगा रखा था और बच्चे को हाल बेहाल हो रहे थे। मैंने कहा कि इस बच्चे को क्यों लगा रखा है, इतने में मेट आग बबूला हो गई और मेरे ऊपर पत्थरों से मारपीट करने लग गई। तो कहने लगी कि मेरे को तो एलडीसी ने लगाया, आप कौन होते हो हटाने वाले? अब ये बताओ अगर ग्राम सरपंच ही कार्यों का निरीक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ग्राम पंचायत में जब अधिकारी आते हैं तो हमें पूछते हैं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो हमें जवाब देना पड़ता है, एलडीसी को नहीं जवाब देना पड़ता, मेट को नहीं देना पड़ता है। तो हम तो मैं चेकने गया था और ये साजिश के तहत पूरा काम हुआ है कि आप सरपंच आएंगे, फर्जी आदरी चल रही है, आप तो पत्थर से मारपीट कर लेना। तो मैं कह रहा हूँ फिर हमने सभी ग्राम पंचों ग्राम के लोगों की और वार्ड पंचों की हमने मीटिंग ली तुरंत, हमने वो अचानक मीटिंग हमने ग्राम पंचायत में बुलाई, पंचायत की मीटिंग बुलाई, उसमें सभी वार्ड पंच भी उपस्थित थे और सभी वार्ड पंचों ने मिलकर और ग्रामवासियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब तक इस अधिकारी के खिलाफ और जो दोषी अधिकारी है, जो वीडियो साहब के मना करने के बाद और कल विकास अधिकारी के मना करने के बाद भी फिर भी इस मेट को जबरदस्ती करके बहुलाल चार उसके घर जाकर के इसको ये दिया मेस्ट्रोल दिया और सुबह जल्दी ही इसको मेस्ट्रोल भी जल्दी भरा दिया। लेकिन ये बनता है कायदा कि मेस्ट्रोल लेबर सब शाम को जाते हैं तब मेस्ट्रोल भरा जाता है, लेकिन इसकी मनमर्जी को मौका सुबह जल्दी मेस्ट्रोल भर दिया और कुछ लोग आए कुछ नहीं लोग आए फिर भी फर्जी हाजिरी कर दी। तो हमने सभी वार्ड पंचों ने मिलकर और ग्रामीणों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ग्राम पंचायत में कार्य का बहिष्कार रखेंगे और इस मेट को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और हम चाहते हैं, हम किसी तरह से भेदभाव नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा था, हमारे वार्ड उप सरपंच साहब भी हैं, कि हम ऐसे के हमारे पास मेट है तो हम ऐसे की मेट लगाएंगे क्योंकि जिससे ग्राम पंचायत का माहौल अच्छा रहे और सद्भावना बनी रहे। आप हमारे उप सरपंच साहब से पूछ भी सकते हो, हमारे वार्ड पंचों से पूछ सकते हो, हम बिल्कुल रात दिन और हम पंचायत के विकास के लिए काम कर रहे हैं कि पंचायत का भला कैसे हो, कैसे हम पंचायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप देख रहे हो पिछले दिनों से लगातार हम पंचायत में हर तीसरे दिन हर चौथे दिन हम सड़कें बना रहे हैं, जिससे कि विपक्ष भी कह के उसको रास नहीं आ रहा और ऐसे काम करवा रहा है। कोई बात नहीं है पूरे मामले की, जब से मैं वहां गया था तब से लेकर के वहां से वापस लौटा तब तक कि हमने वीडियो सीडी सीआई साहब को, वीडियो साहब को और एसडीएम साहब को सभी को उपलब्ध करा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये पहले से रची रहता है साजिश थी उसके तहत ये पूरा काम हुआ कि हम एसएसटी का मामला कर देंगे। हमारे पास एससी के भी सभी वार्ड पंच है, उप सरपंच हमारे पास एससी का ही है और ऐसी कोई बात नहीं है, एसटी के भाई भी मेरे साथ है, ग्राम पंचायत को सभी को साथ लेकर चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये साजिश के तहत पूरा लग रहा है, झूठे आरोप है। आदमी ये दिया कि ये जो हमारे पास मामला हुआ है
और जो ये हमारे पास ये बदसुल्की की गई है और इसमें साफ साफ देखा कि आप देख सकते हो, जांच करा सकते हो और निष्पक्ष जांच कराओ। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, सभी ग्रामवासियों के सामने बोलता हूँ, मैं खुद इस्तीफा लिख दूंगा, क्योंकि मैं निष्पक्ष काम करने वाला हूँ। मुझे एक रुपये भी नहीं चाहिए नरेगा में, किसी प्रकार की मुझे फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मैंने एक्शन ले रखे हैं, किसी तरह के फर्जीवाड़ा में पंचायत भी होने नहीं दूंगा। और इसी को ये हमारे जो ये है अधिकारी है उनको रास नहीं आता कि मुझे फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये फर्जीवाड़ा करने की जो कोशिश करते हैं उनके खिलाफ मैं रात दिन मेहनत करूंगा और उनको सभी को फर्जीवाड़े को पंचायत से हटा के दूर भगाऊंगा। जेल से लगी फिर तो कमी थी, जो कमी थी पास रखा नीचे वाला की रखा और जे दार पा भाटा उठा उठाया मैं करने वो नहीं तो जी टाइम पर कोई गाड़ी ग्लोज को काम ही कोई नहीं हुआ। गाड़ी ग्लोज नरेगा मजदूर आया। हाँ नरेगा मजदूर के नाम है परमेश्वर वार्ड पंच। और वार्ड पंच हूँ मैं, नरेगा में तो नहीं हूँ वैसे, तो वार्ड पंच हूँ। सुबह सरपंच जी के साथ में नरेगा कार्य पर पहुंचा, बयाली डाणी पर नरेगा कार्य चल रहे हो तो बड़े जद नरेगा कार्य संभालवा ने पहुंचा तो बीच गांव सरपंच साहब जब दम में स्टॉल लेकर चेक कर रहा है तब बड़े मौजूद पाया कि दो तीन तो फर्जी हाजिरी कर रखी, जबकि लेडीज़ आ ही नहीं रही, बाकी भी हाजिरी हो रही और एक 10 साल को छोटो टाबर काम पर लगा रखे हो। जब दोनों के बीच में कहासुन हुई तो मेट संतरा वर्मा ने सरपंच जी के साथ पत्थरों से पीछे से वार किया। मैंने खुद ने अपने हाथों से उसे सरपंच जी से छुपवाया था और उसकी वहाँ पर कोई भी गाली गलौज का कोई भी मामला नहीं हुआ। उसने संतरा वर्मा ने सरपंच को 2-4 गालियाँ भी दी थी और मारपीट भी की थी। संतरा जी के पूरा मामलो हो मेरो, मैं ग्राम पंचायत बागुरे की डाणी में मेट का काम कर रही हूँ, 3-4 साल से कर रही हूँ और सरपंच जी उठ गया। पिछली बार मेरे से मिस्टोल छीन लियो, मिस्टोल छीन लियो। 2 दिन तक ही मैं काम पर रही, नरेगा में काम पर रही और उसके बाद में उस मिस्टोल में मेरा नाम दर्ज है और उसके बाद में मिस्टोल छीन लिया और मेरे से बोला कि मैं जब तक सरपंच रहूंगा तब तक आपको मेट नहीं रखूंगा। और आज 13 दिनांक 8/2021 को वहां गया सरपंच साहब और मेरे कई आरोप लगाए और 10-15 लड़कों ने उसने साथ में लेके गया। 2 लेडीज उनके साथ में थी और सरपंच जी ने उन लेडीजों से मेरे साथ में हाथापाई करवाई और फिर ये लड़के मेरे साथ में बदतमीजी करी। 10-15 लड़कों ने मेरे साथ में बदतमीजी करवाई है और वो बच्चा था, छोटा बच्चा है राजू का, वो सरपंच जी उससे गर्भ, वो खुद एक्सीडेंट है, वो राजू है उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद सरपंच जी बोल रहे हैं कि इनसे काम नहीं करवाना, वो बैठा रहेगा। तो ठीक है मैंने बैठा दिया और उसने बच्चे को भेज दिया। इसके बाद में बच्चे को भेज के और बोल रहे हैं कि ये 14 साल का है और आज तक वो काम कर रहा है तो उसमें काम नहीं करवाया है सरपंच साहब ने राजू से। वो खुद बीमार है, उसकी घरवाली है, वो जापे में है, मतलब डिलीवरी हुई है उसकी और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब। और मेरे सरपंच साहब दे रहा है और जाति सूचक गालियां दे रहा है मेरे को। राजू का तो 3 ही साल का बच्चा अभी रिकवरी को फोटो पीट की है और जो लेडीज और जो लड़कों से करवाई है वो उसने नहीं दी है वीडियो और जो मैंने उसके दी है वो वीडियो वायरल कर रहा है और मौके पर 20-25 लड़कों लेकर मेरे साथ में बहुत कुछ बोला है। उसने कई लांछन लगाए मेरे ऊपर, वो मेट लगाई है उससे मेरे साथ में वो करवाई है मारपीट और खुद भी मेरे साथ में मारपीट करी है। वो वीडियो नहीं बनाया और मैंने उसके साथ में करी है और लड़कों ने इसके साथ में मेरे से बहुत की है बदतमीजी। मेरे कोई बात को नहीं, बनाली में 5-10 दिन पहले भी 2-3 थपड़ाएंगे एक लुगाई गन खाए और बनाली में भी पहले वो भी केस लगा हुआ है उनके। और एक बार थोड़े दिनों पहले उसने नरेगा का काम किया हमारे पास में तो उस खेत की लेबर दूसरे खेत में लगा दी और बोल रहा है जैन साहब से बात करूंगा, जैन साहब ने मना कर दिया कि ये है ना उसी खेत का काम है तो उसी खेत में लगाओ। तभी भी मैंने उससे वो काम उसी खेत में मेड़बंदी करवाई है, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। सरपंच साहब कह रहे हैं कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, सरपंच साहब खुद करवाना चाहते हैं, LDC साहब नहीं करने देते हैं।
बात भी ग्राम सेवक नहीं करने देते हैं। और एक पिछली बार एक सुखा नाम सुखाराम नाम है उसका, उसकी 13 हाजिरी करी हुई है और एलडीसी साहब ने इसी मैटर में मेरे को हटाया है। बोल रहा है कि फर्जी करनी है, नहीं करनी है तो दूसरी मैट लगा दूंगा, वो कर लेगी, ये बोल रहा है। सड़क पर क्या नाम मन कर दे मैं काम कर रही हूँ, देखो काम करवा दे। मन करी को नहीं ना, एक अमान प्रेजेंट लाग रही है। मन करी आई है, मन करी आ मन करी है क्या? अभी की बेटी है तो मन करी है क्या? हाँ तो मन करी है क्या? कैंडिडेट थोड़ी है मन करी। काम को नहीं भाई, काम को नहीं, खुद ही थे कैंडिडेट। पिछला में काम में लुका यार, ये काम रही हो जल्दी गई है मन तो आई तो है। मन करी तो आए तो फर्जी हाजिरी लाग रही है, ठीक है? फर्जी है तो मन करी है, तू के बुला रही है तो दबाव ले, तो के बुला रही है, फर्जी है मन करी जगह। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन होते हो हाजिरी करने वाले? भाई तू साइलेंट रहे, विदामी देवी छोटी देवी कौन है? इंद्रा देवी, विदामी देवी, बसंती नहीं ना, सुनीता को नहीं, खांगा राम जी आए, संतोष सुनीता द्वार का संतोष आ गया। मनी देवी फूलचंद।